Oh. शांति ओम शांति ओम शांति का अर्थ जब हम देखते हैं तो ये शब्द सुनने से ही जैसे कि अंदर में शांति का संचार होने लगता है सब तो भाई बहने कहते भी है कि ब्रह्मा कुमारी ओम शांति क्यों कहते हैं एक दूसरे को पूछते रहते हैं तो परमपिता परमात्मा हम बच्चों को अपना खुद का परिचय देते हैं कि बच्चे आप कौन हैं और मैं कौन हूँ आत्मा और परमात्मा का परिचय ही इस ओम में आ जाता है और ओम तो जैसे कि ब्रह्म ज्ञान है ओम में ही सार सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है जहाँ जहाँ भी ध्यान के लिए बैठते हैं हमने देखा है कि ओम का चित्र पीछे लगाते रहते हैं और उसमें विशेष ओम ओम की ध्वनि करते रहते हैं और जैसे कि ओम की ध्वनि करते रहते हैं हम बिल्कुल इस शरीर के भान से जैसे कि डिटैच होते जाते हैं और फिर अपनी आत्मिक स्वरूप में हम स्थित होने लगते हैं और आजकल इसमें बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं कि जैसे कि ओम का ध्वनि हम करते हैं हमारे शरीर में भी इसके पॉजिटिव और प्योर प्रकम्पन्स आने लगते हैं हमारा प्राणायाम भी अच्छी तरह से हो जाता है इसमें विशेष प्राणायाम की जो स्टेजेस हैं इन स्टेजेस में भी जैसे कि कुंभक अंत कुंभक वही कुंभक सांस लेना है ले करके थोड़ा टाइम रुकना है उसको पकड़ करके फिर बाद में धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसको छोड़ना है फिर रुकना है ये जो प्राणायाम की स्टेजेस है ये करने से हमारे शरीर में भी हमारी लंग्स जो है उनको ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिलता है और जैसे कि ऑक्सीजन अच्छी तरह से हमारी बॉडी को सप्लाई होता रहता है तो जितनी भी बीमारियाँ हैं वो चली जाती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहने में हमें मदद होती है तो ये बात रही हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ओम का महत्व लेकिन जब ओम की ध्वनि हम करने लगते हैं तो जैसे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है बॉडी कॉन्शियस तो चला ही जाता है और हम अंतर्मुख होकर के अपने आप को देखने लगते हैं कि मैं कौन हूँ देह तो है नहीं हम देह तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है एक कॉस्ट्यूम है जिस आधार से हम पार्ट प्ले कर रहे हैं लेकिन ओम अर्थात अहम अहम मींस मैं कौन मुझे इसकी बहुत अच्छी तरह से पहचान होनी चाहिए मैं कौन आप कहेंगे इतने सालों से हम जीते आ रहे हैं क्या हमें पता नहीं है हम कौन हैं हमें पता है लेकिन जो हम हैं उसके बारे में हमें पता नहीं है हमें ये पता है कि हमारी नेशनलिटी क्या है हम कौन सा बिजनेस करते हैं प्रोफेशनल आइडेंटिटी हमारी क्या है हम मेल है या फीमेल है ये भी कहते हैं लेकिन इससे भी परे हम अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा में स्थित करें हम है ही ए एनर्जी आत्मा आत्म अभिमानी अवस्था को हम जितना जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ओम की ध्वनि में हम बिल्कुल जैसे कि मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और इसका जो फायदा है वो उठाने के लिए भी हमें आत्मनिश्चय होना पड़ेगा खाली ओम की ध्वनि सुनने से हमारे कानों को तो अच्छा लगेगा कई कई तो साउंड स्लिप में भी चले जाते हैं और गहरी नींद में जाने की बात कहते हैं कि यस आई फील वेरी 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 साइलेंस स्टेज। लेकिन वो तो साइलेंस जैसे कि नींद की साइलेंस हो गई ना हमें यहाँ जो शांति का अनुभव करना है वो जैसे कि हम अपने लाइफ में जीते जी गहरी खुशहाल सुखमय शांति का हमें अनुभव करना है आ? ओम का अर्थ हमने ये समझ लिया हुए मैं आत्मा हूँ और शांति का मतलब भी हम जान लेंगे लेकिन उसके पहले शास्त्रार्थ में हम देखते हैं कि ओम में तीन शब्द आ जाते हैं आकार उकार और मकार अ आचरण श्रेष्ठ आचरण करने के लिए हमें ओम शब्द प्रेरणा देता है उ उच्चारण हमारी वाणी की जो उच्चारण शक्ति है उसको भी श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें प्रेरणा देता है और म अर्थात मनन हमारे मन को ये चिंतन मंथन करने की आदत होती है हम करते हैं मंथन लेकिन कौन सी चीज़ का करते हैं ये हमें पता है जो व्यर्थ होता जो नेगेटिव होता है उसका हम चिंतन करते रहते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है उससे हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है लेकिन जो पॉजिटिव एंड प्योर है उसके बारे में हम कितना मंथन करते हैं मनन करते हैं जैसे कि आप देखते हैं कि जो मक्खन होता है उसको नवनीत कहते हैं और जो गाइड होते हैं ना स्कूल में कॉलेजेस में गाइड को भी नवनीत बोलते हैं क्योंकि पूरे छाछ को अच्छी तरह से घुल मिल के फिर वो मक्खन निकल आता है ना तो जैसे कि हम ज्ञान का भी चिंतन करते रहते हैं परमात्मा ने जो हमें ज्ञान सुनाया है उसका चिंतन करते करते बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पॉइंट्स बुद्धि को टच होते रहते हैं उसको हम कहते हैं मक्खन और ये जो मक्खन है ये शरीर को भी स्वस्थ करता है अपने मन को भी स्वस्थ करता है जनक को भी स्वस्थ करता है तो आकार उकार और मकार विशेष बहुत भक्ति संगीत में भी आकार तु ब्रह्मा उकार तो विष्णु मकार महेश इस बारे में बहुत गीत बने हुए हैं अभी आप देखेंगे कि आकार उकार और मकार में ब्रह्मा विष्णु महेश क्योंकि ओम अर्थात अहम आत्मा परमात्मा भी कहते हैं अहम आत्मा लेकिन मैं परम आत्मा हूँ आत्मा और परमात्मा में बहुत अंतर है जैसे देखने में दोनों एक ही है इसलिए शास्त्रार्थ में कर, कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा लेकिन आत्मा सो परमात्मा नहीं है आत्मा और परमात्मा देखने में ज्योतिष स्वरूप है पॉइंट ऑफ लाइट है लेकिन उनके गुण और कर्तव्य में फर्क है तो आत्मा सुख दुख के फेरे में आती है परमात्मा नहीं आते हैं आत्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में आती है परमात्मा नहीं आते हैं आत्मा शांत स्वरूप है परमात्मा शांति का सागर है ही इज ओशन ऑफ पीस आई एम अ ऑफ पीस आई एम नॉट ओशन मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ परमात्मा पवित्रता का सागर है मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ परमात्मा ज्ञान का सागर है मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ परमात्मा सुख का सागर है मैं आनंद स्वरूप हूँ परमात्मा मेरा आनंद का सागर है मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है तो उनके और मेरे गुणों में अंतर है वो सागर है कहते ना वो सागर है हम गागर है सागर को हम गागर में समा लेते हैं उनके स्नेह में हम इतना लीन हो जाते हैं कि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा लेकिन आत्मा तो आत्मा होती है परमात्मा परमात्मा है और परमात्मा तो एक है हमने सुना है ना आत्माएं कितनी हैं कितनी हैं आज पूरे विश्व में अनगिनत है ना अनलिमिटेड अनकाउंटेबल तो इस तरह से परमात्मा कहते हैं ओम मैं भी आत्मा हूँ परमात्मा हूँ मतलब तीन दफा हम कहते हैं शांति 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 वो भी मीनिंग हम सुनेंगे लेकिन जो ओ, वो, और मकार में महेश के लिए बोला है अकार तू ब्रह्मा उकार विष्णु तो परमपिता परमात्मा वो तो रचयिता है और उनकी रचना कौन सी है ब्रह्मा विष्णु और महेश तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा गोल्डन एरा स्वर्णिम दुनिया की स्थापना परमात्मा कराते हैं फिर जब स्थापना होती है तो कलयु का विनाश भी होना जरूरी है तो उसके द्वारा हम कहते हैं कि शंकर जी को महेश जी को उन्होंने निमित्त बनाया है कहते ना तीसरी आंख जब शंकर जी खोलते हैं तो पूरी दुनिया का विनाश हो जाता है तो इस तरह से महेश के लिए बोला है और तीसरी बात आती है कि विष्णु जी द्वारा स्वर्णिम दुनिया की पालना श्री लक्ष्मी श्री नारायण नंबर वन हंड्रेड परसेंट रिचार्ज, चार्जिंग सोल 100 परसेंट प्योर पावरफुल एंड पॉजिटिव सोल पूरे विश्व पर राज करते हैं तो इस तरह से विष्णु जी के द्वारा पालना का कार्य परमात्मा शिव कराते हैं इसलिए उनको गॉड कहते हैं जी ओ डी जी फॉर जनरेटर ऑफ अ हेवीन थ्रू ब्रह्मा ओ फॉर ऑपरेटर ऑफ अ हेवीन थ्रू विष्णु एंड डी फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ अ हेल्थ थ्रू शंकराचार्य तो तीन कर्तव्य तीनों के द्वारा कराने वाला तो हमारा परमपिता परमात्मा शिव है तो हम ओम में हम मास्टर ब्रह्मा मास्टर विष्णु मास्टर शंकर कैसे बन सकते हैं परमात्मा ने तो अपनी सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज हम बच्चों को सुनाया है साथ साथ ईश्वर पिता कहते हैं कि बच्चे आप भी मास्टर त्रिमूर्ति हो यू आर मास्टर त्रिमूर्ति तो हम कैसे हो गए हम भी जब अपने आप को मास्टर ब्रह्मा समझकर सुबह दो बजे से पाँच बजे तक जब मेडिटेशन करते हैं या तीन बजे से पाँच बजे तक जिसको अमृत वेला कहते हैं तो जब ये मेडिटेशन हम करने लगते हैं तो इस मेडिटेशन में हम अच्छे अच्छे विचार करते हैं जैसे ब्रह्मा जी का काम है रचना करना नई दुनिया की स्थापना करना तो हम भी अपने अच्छे अच्छे संस्कारों को इमर्ज करते हैं अच्छे अच्छे विचारों को हम इमर्ज करते रहते हैं तो अच्छे विचार के जैसे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ मैं रूहे गुलाब हूँ मुझे खिला हुआ गुलाब रहना है हमेशा कभी भी मुरझाना नहीं है है ना अच्छे अच्छे जब विचारों को हम लेते हैं हमारे दिमाग में तो पूरे दिन में मास्टर विष्णु बनकर के उसकी पालना भी करनी होती है क्योंकि खाली विचार आ गया हमने कुछ किया नहीं उसके ऊपर तो ये नहीं चलेगा ये काम नहीं करेगा ना लेकिन जब उस विचार को हम मंथन में लाते हैं और अच्छे संस्कारों को हम प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने लगते हैं तो विष्णु जी का जैसे कि हम काम करते हैं पालना करते हैं उन विचारों की उन स्वमानों की और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं हमारी लाइफ में खाली उसको विचार करके छोड़ना नहीं है उसके ऊपर जैसे कोई भी साइंटिस्ट है क्या करते हैं वो बैठ कर के कोई भी एक साध्य प्रमेय लेते हैं और फिर उसको प्रूफ करने लगते हैं कि मुझे इसको प्रूफ करना है तो इस तरह से हम भी हमारे लाइफ में जो अच्छे विचार करते हैं तो उसका पूरे दिन में हम उसको प्रैक्टिकल में लाने का संकल्प करते हैं जैसे परमात्मा कहते हैं बच्चा फूल हो तो आपके मुख से भी हमेशा फूल ही अर्थात तो फूलों की वर्षा होनी चाहिए अभी ऐसे तो बाहर वाले जैसे फूल है वैसे तो नहीं होंगे लेकिन हमारे सामने हमारे दिमाग में जो अच्छे अच्छे विचार है उसको हम अपनी वाणी के द्वारा प्रस्तुत करते हैं इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा हुआ है कि जब मुख खोलता है तब पता चलता है कि इनकी दुकान हीरे की है या कोयले की है अच्छे विचार अच्छे संकल्प अच्छे जब हम शब्द बोलते हैं शक्तिशाली पावरफुल बोलते हैं तो क्या होता जैसे डाइमन्ड है जैसे कि डायमंड है डायमंड निकल रहे हैं और यदि कुछ अपशब्द बोलते रहते हैं है ना नीचे गिराने वाले शब्द बोलते हैं गाली वाले शब्द बोलते हैं तो जैसे कि कोयला होता है ठीक है ना और फिर शाम को जैसे कि सात आठ बज रहे होते हैं नौ दस बजे हम मास्टर शंकर जी बनकर के पूरे दिन का जैसे विनाश करते हैं अब ऐसे तो विनाश नहीं है करेंगे लेकिन हम समाप्ति की ओर जा रहे होते हैं विनाश मना ही समाप्ति है ना तो समाप्ति भी किस चीज़ की समाप्ति अभी तो एक दिन के लिए तो हम कहेंगे भई अभी रात हो रही है अभी सोना है हमें दस और बस बस हाँ तो उसके हम शंकर जी बनकर के मास्टर शंकर जी बनकर के विनाश करते लेकिन परमात्मा कहते बच्चे मास्टर शंकर बनकर के आपको तपस्या करनी होगी अपने पुराने स्वभाव संस्कारों के ऊपर आपको विजय पानी होगी वो इतना आसान नहीं है जैसे कोई रावण को जला दिया बाहर कोई इमेज बनाया उसका बूथ बनाया और बस कोई आतिशबाजी से वगैरह कुछ करके उसको जला दिया इतना आसान नहीं है अपने अंदर के जो पुरानी रावण के संस्कार है उसको जलाने के लिए हमें अच्छी तरह से तपस्या करनी होगी हम शमशान भूमि में हम देखते हैं शमशान भूमि को भी कैलाश भूमि वगैरह क्या क्या नाम देते हैं परसों एक का डेथ हो गया था हम गए थे शमशान भूमि में तो वहाँ पर भी शंकर जी की आरती गा रहे थे सब बोल रहे थे कि शंकर जी शमशान भूमि में रहते हैं शंकर जी तपस्वी है तो क्या हमें भी शमशान में जाकर के तपस्या करनी है नहीं स्मशान अर्थात जहाँ पे मुर्दों को गाड़ा जाता है मुर्दों को जलाया जाता है तो हमें ऐसे मुर्दों को गाड़ना नहीं है या जलाना नहीं है लेकिन उसके भान को जलाना है उसके भान को हमें दफन करना होगा हर एक अपने आप को मुर्दा समझ समझ रहा है बॉडी समझ रहा है लेकिन इस देह के अंदर जो जलने वाली मैं ज्योति हूँ बाती हूँ मैं उस बाती को देखना बहुत ज़रूरी है दिया देखते हैं अच्छा है गोरा है ये है वो है वो देखते रहते हैं लेकिन हमारी जो बाती है आत्मा है दूसरों की भी जो बाती है आत्मा है उसको देखने का प्रयास हम क्यों ना करें तो जैसे कि हम तपस्या करने लगते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूजा न कोई क्योंकि शंकर जी भी हमेशा तपस्वी मूर्त में शंकर जी के सामने भी शिव दिखाते हैं क्योंकि शिव जी से वो भी शक्तियाँ ले रहे हैं तो कोई भी चीज करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है ना तो इस तरह से हम भी मास्टर शंकर बनकर के किसी को समझो भाई व्यसन नशा करते हैं तो मास्टर शंकर बनकर के नशा का भी विनाश कर सकते हैं हम है ना कोई ना कोई बुरी आदतें हैं लेट सोने का लेट उठने का कोई कोई ना कोई, ना कोई बुरी तो आदतें है ही तो उसको हमें मिटाने के लिए ख़त्म करने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा तो इस तरह से अभी हम देखते हैं शांति 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 तीन बार क्यों बोलते हैं हम एक मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ मेरा स्वधर्म शांति है दूसरी बात मैं किसकी संतान हूँ ये मुझे रिमाइंड करना पड़ेगा मैं किसकी संतान हूँ किसी छोटे बच्चे को भी आप पूछेंगे कि आपके माता पिता कौन है वो तुरंत बता देगा लेकिन हम क्यों भूल रहे हैं अपने पिता परमात्मा जी को हुँ? तो मैं शांति सागर परम पिता शिव परमात्मा की संतान हूँ और तीसरा है मैं शांति धाम की रहवासी हूँ शांति धाम मेरा धाम है मेरा घर है उस घर की मैं निवासी हूँ तो ये तीन शब्द मुझे बार बार याद आते रहे इसका ही मुझे स्मरण रहे इसलिए हम कहते ओम शांति 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 तो चलिए इस तीन शब्द में हम बहुत ही अच्छी तरह से स्थित हो जाए और अपने आप को शांति से संपन्न करें ओम शांति शांति शांति